सो लौंडो, कैसे हो सब लोग? आई होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। तो गाइस आज हम देखने वाले चेंसो मैन का एपिसोड नंबर 2, एंड काफी ज्यादा मजा आया। वन में नहीं देखा तो जाके देखो, ये वाली वीडियो के बाद देख सकते हो या पहले भी जाके देख सकते हो, फिर ये बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, लेकिन देखना जरूर। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे न्यू हो तो जाके प्लीज चेक करना। एंड बहुत सारे एनिमे है, एंजॉय करो, जाके मजे करो मेरे साथ में। एंड लेट्स गो इन द वीडियो। और ये अब लेके जा रहे हैं, इसकी आंखें क्या है भाई, इतनी सारे पैटर्न से हैं, पता नहीं गोल गोल से क्या करती है वैसे। ये मेरे पेट की आवाज थी। भूख लगी है उसको, भूख। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डेंजी है। डेंजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो डेंजी। यू विल बी माय डॉग भाई, कुत्ते की तरह करने वाले हो। मुझे ना कहने वाला कुत्ता नहीं चाहिए। क्या मतलब उसकी हर बात माननी पड़ेगी। फॉरेंसिक में एक बार किसी ने मुझसे कहा था, जब कुत्ते मददगार नहीं होते तो उन्हें जान से मार डालना पड़ता है। उसको धमकी दे रही है सीधा सीधा, तू मेरी बात नहीं मानेगी, मानेगा तो मुझे मैं तो लगा था कि वो अच्छी लड़की है। मैं तो उसे पसंद करने लगा था कि वो इतनी डरावनी भी है। मुझे तो इसने अपना कुत्ता समझ रखा है भाई, तो कुत्ता समझ रखा है भाई। ऐसी जिंदगी क्या जीना भाई, किसी के आगे कुत्ता बन के। काश पोछता अब भी जिंदा होता। ये खींचते ही ये मतलब चेंसो मैन बन जाता है। ऐसा से कुछ गिरा तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान रहे कार की छत ना टूटे। एक बात कहूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। जो मन करे ले लेना, पैसे मैं दे दूंगी। बिना शर्ट के शर्म आ रही है ना, मेरी पहन लो। ये लो। इसका समझ नहीं आ रहा, ये अच्छी है खराब। पूरी जिंदगी लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया, कहा कि मुझसे बदबू आती है, पर किसी ने मुझसे इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। कम से कम इतनी खूबसूरत लड़की ने तो बिल्कुल नहीं। ये लड़की कुछ तो गड़बड़ है यार, मतलब तो इतनी अच्छी भी है वो, खराब भी है, समझ नहीं आ रहा इसका ये क्या है। अब मैं उडॉन लूंगा। उडॉन क्या होता है? उडॉन और हाँ सॉसेज भी ले लूं ना? जो चाहे लो, मुझे करी उडॉन दीजिए प्लीज। अभी देता हूँ। आज तो ऐश हो गई, मजा ही आ गया। क्या हुआ डेंजी, तुम ठीक तो हो? एकदम बैस की पॉइंट पे गिरा हुआ है। बताइए कितने पैसे हुए डेंजी? माफ करना, वो दरअसल मुझे ना चेनसॉ से चोट लग गई थी, ये लीजिए, तो शायद मेरे शरीर में खून की कमी हो गई। आखिर तुम्हारा इतना बुरा हाल है भाई, मजे आ गए। मेरा एक पेट डेविल था और उसने अपना दिल मुझे दे दिया। यकीन नहीं होता ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मेरे पोछता ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारे जैसा किस्सा मैंने पहले कभी नहीं सुना, इतिहास में भी कभी नहीं सुना। पता है इसका कोई नाम तक भाई मस्त है यार, ये देखा जाए तो भाई, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी सूंघने की शक्ति काफी तेज है, इसलिए मैं। ये भी कुतिया है क्या जो सूंघने की तकलीफ ज्यादा तेज है? अच्छा दोस्त तुम्हारे अंदर जिंदा है, दिल से ही नहीं और भी तरीकों से। तुम्हारे शरीर से इंसान और शैतान दोनों की महक आती है। सच में? हाँ ऐसा ही है। क्या किस्मत है यार मेरी। फिर गया। यार लेकिन इसकी किस्मत वजह भाई, लड़की बढ़िया मिल गई है इसको। खाना, सुबह हो गई भाई, खाना। क्या मैं खाना शुरू कर सकता हूँ? हाँ, क्या तुम ठीक हो? खुद से खा पाओगे? नहीं तो वो खिला आ, 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 साड़े नहीं आप खिला साड़े, मेरे को पता था आराम बंदी करने वाला। अच्छा है ना, तुम खाने को एंजॉय करते हुए बहुत प्यारे लगते हो, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह प्यारे से कुत्ते की इसको तरह। लग रहा है ना इससे प्यार में, मतलब इससे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है, लेकिन इसको ये नहीं समझ आ रहा क्या ये कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है इसको। माकी, आपको कैसा लड़का पसंद है आप बता सकती हैं? ये अपना बेड़ने की सोच रहा है तार। मुझे डेंजी जैसा लड़का पसंद है। अरे वो तो मैं हूँ।
इसको समझ नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है उसके साथ खेल रही है क्या वो, मतलब पता नहीं। आपको कैसा लड़का पसंद है? अब ये उसी में पूरे दिन मुझे पागल मुझे रहेगा जैसा है? लड़का पसंद है। मुझे भी आप बहुत पसंद है मिस माकी। साला इस तरफ जाना है। ये हमारे डेविल हंटर्स का टोक्यो हेडक्वार्टर है। टोक्यो जापान का फ्लैग है। टोक्यो में 1000 से भी ज्यादा डेविल हंटर्स हैं, जिनमें सिविलियंस भी शामिल हैं। ओके। मगर पब्लिक सेफ्टी वालों को सबसे ज्यादा सुविधाएं और छुट्टियां मिलती हैं। अच्छा। अगर मिस माकिमा मुझे पसंद करती है, ये उसी में इसकी बात ही नहीं सुन रहा। करते आगे चलकर ये मेरी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। हां बन जाएगी बिल्कुल। गर्लफ्रेंड बनने का मतलब हम दोनों एक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, वो कुतिया सूंघ सकती है, तू कुत्ता उसका बन ही गया है। डेंजी। हाँ जी। ये ले कपड़े। सबको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, ये तुम्हारी है। ओके। यूनिफॉर्म पहन लो, फिर मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। टाई बांधने नहीं आती क्या इसको? ये एक और हंटर है। आपकी हायाकावा। यहाँ पर 3 सालों से। ओके। तुम्हें आज पूरा दिन इनके साथ रहना है। मिस माकिमा, इसका मतलब मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा? ये तो जाहिर सी बात है। अभी तुम उसकी बराबरी करने के लायक नहीं। ये ले भाई गया इसका गया। उसके साथ इसको रहना था। माकिमा। मुझे मिस माकिमा के साथ काम करना है। मुंह देखियो कैसे लटका रखा है इसने। अगर तुमने सारे काम अच्छे से किए तो जल्द ही हम साथ काम करेंगे। इसलिए तुम अच्छे से काम करना। ठीक है, आप करेगा। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। सुनो भाई साहब, इस माँ की माँ का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? ओ सुन बताओ ना भी क्या? बताओ। चलते रहे बताता हूँ। चलते रहे बताता हूँ। मेरे को लोग ठीक लेगा, मैं यही बोलने वाला था। मैं यही बोलने वाला था कहीं इसमें ले जाके ठेले ना हो। यही तो नहीं इसका बॉयफ्रेंड, कहीं पता चले ये इसका बॉयफ्रेंड निकले हैं? तुझे ये नौकरी छोड़नी होगी। अगर कल वापस आया तो फिर पिटेगा। लेकिन क्यों यार? क्योंकि तेरी नियत तेरे चेहरे से साफ झलकती है। जो लोग बिना सोचे समझे ये नौकरी करते हैं वो मारे जाते हैं। तेरे जैसे कई आए पैसे देखकर डेविल हंटर बनने के लिए, पर सभी डेविल के हाथों मारे गए। सिर्फ वही बचे हैं जिनके पिछवाड़े में दम है। अपनी तारीफ कर रहा है इनडायरेक्टली। यहाँ पर सिर्फ माकिमा के लिए आया और इसीलिए तूने नौकरी ली है ना? बिल्कुल सही। बोलने में भी निकल रहा है। आप सही बोल, अच्छा ही किया कि झूठ बोल रहा हूँ। साड़ा आराम उसके ऊपर से ग्रेट फेंक के उसे बता देता हूँ कि तेरी डेविल से फट गई और तू दुम दबा के भाग गया। ना ना ना, वो तो नहीं भागने वाला मेरे को लग रहा है। पेल नहीं, मार साड़ी को, मार पीच में दे अच्छी। वो इसलिए ले जब भी किसी को भाई अखरोट तोड़ दिए भाई। भाई मेरे दर्द हो रहा है यहाँ पर भाई, इतने तेज उसने मारा वहां। आज पहली बार मैंने उड़ान दरअसल नहीं यार, जान तो नहीं जाने दूंगा। ऐसी जिंदगी मिली है, जीत लूं। जीत लूं। अब ये लड़ेंगे क्या मैच की यहीं पर? लड़ो साड़ो, मैं तो कह रहा हूँ। तूने अपनी औकात देखी है, तू उसके लायक कभी नहीं बन सकता। ओए,
तेरी क्यों चल, क्योंकि उसको भी प्यार है लग रहा है कि तू भी। इतने में तो भाई कोई उठे ना जितनी तेज लात मारी है इसने। सच में मेरे अक्रोश तू बार बार वही मार रहा है। यार सही किया, सही किया साड़े के साथ। अरे वो इसके साथ वो नट डेविल है ना, उसने इसके अखरोट पर हमला किया था मैडम। ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर यकीन मत करो। तो क्या तुम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते? कतई नहीं, ये एक नंबर का कमीना है। वो समझ गई कि लड़ाई करी है तुम दोनों की बन रही है। बन रही है तो जेंजी अब से तुम हायाकावा के यूनिट में काम करो। क्या यूनिट? नहीं मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, मेरे पास पहले से ही सनकियों की कोई कमी नहीं है। अगर एक और आ गया तो पता नहीं क्या होगा। मैंने तो तुमसे शुरुआत में ही कहा था ना, तुम्हारी टीम एक्सपेरिमेंटल टीम होगी जो दूसरों से हटकर काम करेगी। उसमें आखिर क्या होने वाला है मैडम? डेंजी है तो एक इंसान ही, मगर जब चाहे डेविल का रूप ले सकता है। हाँ सही कहा, सुन लिया ना तूने। क्या ये वाकई सच है? मुझे हमेशा से ऐसी कहानियां बकवास लगती थी, कभी यकीन नहीं था इन पर। लेकिन अब सब समझ आता है। इसलिए उसे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो भी खास होगा। ओके। अगर उसने नौकरी छोड़ दी या हमारी बात नहीं मानी तो डेंजी को डेविल घोषित कर मार दिया जाएगा। ये तो मुझे बताया नहीं। बताया था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है तुम्हारे मरने तक हम साथ काम करेंगे। चाहे तू डेविल हंटर की तरह मर और नहीं तो डेविल की तरह मर, मेरे साथ मरना ही है दोनों तरफ, ताकि मैं तुझ पर नजर रख सकूं। उन्होंने कहा है कि अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे मार सकता हूं। वैसे मिस माकिमा बुरे इंसान है क्या? अगर तुझे सच में ऐसा लगता है तो उसे भूल क्यों नहीं जाता? अगर तू वाकई डेविल है तो तुझे खुश होना चाहिए कि तू अब तक जिंदा है। ओ, हम सब डेविल हंटर्स तो मार देती है। हाँ बहुत ही अच्छी, आगे देखने को पता चलेगा ना। उसने मेरी जान बचाई थी। इसको भी याद आ रहा, इतने प्यार से बात कर रही थी मेरे साथ। मिस माकिमा प्यार में पड़ गया ये। उन्हें दोबारा गले स्ट्रॉबेरी जैम, प्लम जैम, भाई क्या कर रहा है इसने। और ऊपर थोड़ा सा वही है भाई कि किसी को जिसको ना मिला उसको मिल जाए तो यही हाल होता है, देख लो। ये बन गया दुनिया का सबसे लाजवाब ब्रेड टोस्ट। सबसे लाजवाब। वाओ मजा आ गया। इसके घर, इसके साथ में घर में रहना है। फर्स्ट टाइम ऐसे रह रहा है ना, इसीलिए इसको मजा आ रहा है। अब कमीने कब तक रहेगा? आ गया है, सो गया है अक्ते अक्ते। टॉयलेट पेपर पूरा खत्म कर दिया उसने, करा क्या है भाई? गांध साफ करी कि क्या करा उसने? देखा गया है सिविलियंस को यहां से निकालकर हमने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। वो डीमन दूसरे फ्लोर के कमरे में छुप कर बैठा है। हम अब ये तुम डेविल हंटर्स पे छोड़ दें। क्या ये कोई नया हंटर है हायाकावा? नया डेविल हंटर, इट्स अ डेविल। वैसे ये डीमन होता क्या है? अरे तू कभी स्कूल वगैरह में गया है या नहीं? नहीं यार कभी मौका ही नहीं मिला। जब डेविल इंसान की लाश को वश में करता है तो वो डीमन बन जाता है। अच्छा डेविल डीमन, तो क्या मैं भी डीमन हूँ? नहीं तू डेविल। डीमन्स के सर का आकार हमेशा अलग होता है। अच्छा, उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि वो डीमन है। देखते हैं फिर, डीमन है, डेविल है। कैसे खा रहा है यार वो कबूतर को? इंसान के शरीर को पूरी तरह से वश में किया हुआ है। अब तू इसे मार के डेविल का रूप ले ताकि पता चल जाए कि तू हमारे काम का भी है या नहीं। मेरी तरफ मत देख, मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा तुझे डेविल हंटर, मैं तुझे मार दूंगा। ये काट दिया क्या? ओ नाइस भाई, गर्दन क्या उड़ाई है भाई एकदम से इसकी। तूने अपनी डेविल शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बात यह है कि जब मैं अपनी शक्तियों से किसी डेविल को मारता हूं तो हालात काफी बिगड़ जाते हैं। हां दरअसल
अगर मैं चाहता तो मैं भी इसकी तरह बनकर इसकी जान ले सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि इसे ज्यादा तकलीफ हो। बात दिमाग में घुसी? तो ठीक है, अब मेरी बात सुन। डीमन भी डेविल जैसे ही होते हैं। तू जानता है मैंने नीचे खड़े पुलिस वालों के साथ शराब पी, वो अपने बीवी और बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर। और तू, तू उनके साथ क्या करना चाहता है? दोस्ती? अगर कोई डेविल हो जिससे मैं दोस्ती कर सकूं तो जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये मैं याद रखूंगा हमेशा के लिए। ठीक है। बड़ा जल्दी नाराज हो जाता है ये। अरे यार, मैं इन मैगजीन्स पर खून के दाग नहीं लगाना चाहता। मस्त है भाई, निकलता है तो हर तरफ खून होता है, चीजें खराब हो जाती है। ये आदमी तो ये सब पढ़ता था ना, मजे से अपने घर में अकेले पढ़ा, दब 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 पढ़ा, दब 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 दब, और ये भी पढ़ने लग गया। सही है, ये मेरे काम। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। मैं इसे लेकर बहुत सीरियस हूँ पौजिता। मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ, बिल्कुल जैसा हमारे बीच तय हुआ था। ये मैं याद रखूंगा हमेशा के लिए। मेरे सपने तो पूरे होते लग रहे हैं, लेकिन शायद वो भी अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। उसके क्या सपने हैं? मस्त नहाने को मिल रहा है, खाने को मिल अच्छा रहा खाना है। भी जिंदगी तो बिल्कुल 10 में से 10 हो गई है, लेकिन फिर भी कोई कमी सी लग रही है। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? कुछ ऐसा जो मुझे सच में खुशी दे? वो पक्का कोई बदला लेना चाहता है, और वो लोग अपने परिवार को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिस माकिमा भी किसी चीज के पीछे है? मिस माकिमा, किसी लड़की के संदरे दबाने का सपना तो मैं अरसों पहले देख चुका था, पर अब मुझे ऐसी नौकरी मिल गई है तो शायद वो सपना सच हो सकता है। अब संदरे दबाने को मिल जाएगा इसको, और माकिमा के दबाने के सोच रहे यार। तेरे सिवाय सभी यहाँ सीरियस हैं। तो उसका मतलब यही था, मुझे वो मिल गया जिसके लिए मुझे सीरियस होना होगा। मेरा गोल संदर दबाने। उसके मुंह पे बोल रहा है जाके। आज से मैं तुम्हें एक पार्टनर दे रही हूँ। ओके, किसको? पार्टनर? एहतियात के रूप में, पब्लिक सेफ्टी का नियम है। क्या मटा गिर गया यार, मस्त है बे। वो आ गई। आ गई, जरा संभल कर। क्यों? क्योंकि वो एक डीमन है। अब मैं आ गई। सावधान इंसान, क्योंकि मैं हूं पावर। पार्टनर पावर, ये अलग एक और मैं पावर, और तुम एक डीमन हो। एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? अरे तू खुद भी तो भैया है। ये फोकस तो सही हुआ। दबा के काम करेंगे, दबा के काम करेंगे। ये डीमन को भी मारने का आदेश है, मगर पावर बहुत ही खतरनाक है, और इसीलिए वो हया कावा की टीम में है। जैसा कि मैंने कहा था, पब्लिक सेफ्टी डिवीजन एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 एक एक्सपेरिमेंटल टीम है। अगर तुमने अच्छे नतीजे नहीं खाए तो उच्च अधिकारी को बंद कर देंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा क्या होगा, इन दोनों को मारे देंगे, मतलब जान से है ना? पावर के हॉर्न्स को ज्यादा ही बाहर है, इसलिए तुम उन इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग तो झट से जा रहे हैं, इसीलिए लोग। तो वो कहाँ जा रही है, क्या चूतिया बंदी कर रही है? लेकिन है तो मस्त भाई, ऐसे लड़की बगल में घूमते रहे। सुन इंसान, मुझे कोई दे दे जिसे मैं मार सकूं। मैं खून के लिए तरस रही हूँ। बिल्ली? वो नहीं, बिल्ली। ये लड़की दिख सही है तो इसका पागलपन झेल लूंगा। अच्छा अलग ही चूतिया भाई, लड़की दिखने में ठीक है तो पागलपन। अगर किसी सिविलियन डेविल हंटर से सामना हो या पुलिस तुम्हारे काम को लेकर पूछताछ करने की कोशिश करे, पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4, तो ये कहकर उन्हें अपना आईडी दिखाना, वो मुंह बनाकर चले जाएंगे। क्यों मुंह बना के क्यों जाएंगे? यहाँ पर तो कोई डेविल है ही नहीं। ये मेरी ही गलती है। डीमन बनने से पहले मैं एक डेविल थी जिससे हर कोई डरता था। अच्छा। मेरी महक मिलते ही डेविल भाग जाएंगे। क्या? अरे तो फिर हम बिल्कुल मारेंगे कैसे? अगर तुम्हें कोई भी सवाल पूछने हो तो हया कावा से पूछना।
जाओ क्योंकि उसी ने तुम्हारी टीम बनाई है। कमीना कहीं जानबूझकर उसने मुझे इस सन की पावर के साथ फंसा दिया ताकि मैं बड़े कारनामे ना कर सकूं, ताकि उससे डीमन भाग जाएंगे तो वो मारेगा किसे और फिर टीम डिसमिस हो जाएगी और फिर इसको मार देंगे। उसने प्लान बनाया ये कौन कि मैं इसको क्या हो गया सन लेट्स गो किसको मारने जा रही है बट ये कुकुम्बर डेविल चूतिया डेविल ओ इसने क्या खून का वो बनाया वाई 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 तोड़ दिया भाई उसको भाई वो तो सन की है वे सन की मिली है इसको सन की यार कसम से भाई क्या बताऊं इतना ज्यादा मस्त है मजा आ रहा है मतलब पूरे एपिसोड में फन अभी मतलब देखने को स्टार्टिंग में वैसे मोस्ट ऑफ एनिमेज में मिलता है लेकिन इसमें भाई है एंड काफी ज्यादा मजा भी है थोड़ा अडल्ट टाइप का भी है एंड मजा आ रहा है देखने में मतलब हंसे एंड उसके बाद जो डेविल हंटर करते हैं जाके मॉन्स्टर को मारना वो भी काफी ज्यादा मस्त है एंड इसको लड़के मिले ये काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है आउट ऑफ माइंड है। अब इसको देखते हैं कैसे इसके साथ ये संभालता है कैसे इसके साथ हंटिंग करता है क्या करता है आई डोंट नो दबा के काम करेंगे। तो गाइस आपको भी मेरे साथ देखने में मजा आ रहा है तो जल्दी जल्दी दबा दो मतलब कि लाइक बटन और शेयर बटन और सब्सक्राइब बटन कमेंट करके बताना कैसा लगा आपका एनिमी फेवरेट है या नहीं है ये भी बता देना एंड जाके चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे टैप करो और जाके प्लेलिस्ट चेक करो बहुत सारे मिल जाएंगे एनिमीज एंड आगे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला आई होप सो एंड आप लोगों को तो पता ही है आएगा कि नहीं आएगा तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो में जरूर से आना मिलना एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।